सत श्री अकाल। स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज दे विच। मनजिंदर सिरसा के ट्वीट को लेकर पूछे सवाल से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सिरसा ने ट्वीट करते मंत्री कटारू चक के इस्तीफे की गल कही थी। जब मीडिया वालों इस ट्वीट बारे पूछा गया तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लालचंद कटारू चक का इस्तीफा मनजिंदर सिंह सिरसा को आया होगा, साडे कोल नहीं तो ना ही साडे कोल कोई वीडियो पहुंची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनजिंदर सिरसा इस्तीफा देने च काफी माहिर। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने सूबा विधानसभा चोणां लई अपना मैनीफेस्टो जारी किया, जिसनों सर्व जनांग का शांति तोटा नाम दिता गया। हिंदी इसका अर्थ है सारे लोगों लई शांति का बाग है। मैनीफेस्टो मुताबिक ग्रह ज्योति तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया, जबकि ग्रह लक्ष्मी तहत परिवार के मुखी को 2000 रुपए के अन्नभागे तहत 10 किलो अनाज देने का वादा किया गया। इस मैनीफेस्टो में कहा गया कि युवा फंड तहत बेरोजगार ग्रैजुएटा एक महीने 3000 रुपए के डिप्लोमा होल्डर 1500 रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चोणों को लेकर सियासी पार्टियां पूरी तरह सरगर्म हो चुकी हैं। इस चोण अखाड़े भाजपा ने अपने मैनीफेस्टो जारी किया है। भाजपा के कौमी प्रधान जेपी नड्डा ने कर्नाटक चोणों को लेकर मैनीफेस्टो जारी किया है। मैनीफेस्टो में भाजपा ने संकल्प पत्र का भी नाम दिया है। दस दिए कि पिछलिया विधानसभा चोणों में भाजपा ने 104 सीटों से जित हासिल हुई थी, उत्थे कांग्रेस ने 80 से जेडीएस ने 37 सीटा जीतिया सन, हालांकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिले। शिमला च नगर निगम के 34 वार्डा लई सवेरे 8 बजे तो वोटां पै रहीं ने। इस लई 102 उम्मीदवार चोण मैदान च ने। चोणां विच 93,920 वोटर हिस्सा लै रहे ने, इन्हां विचों 49,759 पुरुष ते 44,161 औरतां ने। कांग्रेस ने 34 वार्डा विच उम्मीदवार खड़े किए ने, उत्थे आम आदमी पार्टी ने किए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 सीटां ते उम्मीदवार उतारे ने। शिमला नगर निगम चोणां दा फैसला 4 मई नूं आवेगा। दस दिए कि निगम के 5 साल का कार्यकाल जून 2022 च खत्म हो गया सी, पर चोणां कराउण च 11 महीनों की देरी हुई। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान से साबका विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने भाजपा को जलंधर जिमनी चोन च हमाई देने का ऐलान कर दिया। भाजपा के पंजाब मामलों के इंचार्ज से गुजरात के साबका मुख्यमंत्री विजय रूपानी की हाजिरी में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार इंद्र इकबाल सिंह अटवाल को समर्थन देने का ऐलान किया। बैंस ने आखिया कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, पंजाब के लोग एक साल से सरकार तो आक चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दिली इच्छा कि पंजाब में भाजपा की सरकार बने। कनेडा पुलिस ने गोल्डी ब्रांड का नाम 25 मोस्ट वॉन्टिड गैंगस्टर में शामिल कर दिया है। पुलिस सूत्रों की मनिए तो पिछले दिन इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड मामले संबंधी कनेडा पुलिस नाल कई गल्लां सांझियां कीतियां सन। रेड कॉर्नर नोटिस के नाल ही सिद्धू मूसेवाला कतल केस के कई वेरवे भी सांझे किए सन। पुलिस के ठोस सूत्रों की मनिए तो कनेडियन पुलिस ने भी इस मामले में ध्यान रखते हुए गोल्डी ब्रांड का नाम 25 मोस्ट वॉन्टिडा में शामिल किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले चरोपा रेल नेड़े एक कार 150 फुट डूंगी खर्च दी गई। हादसे च कार सवार दो लोगों की मौत हुई। पुलिस ने दसी घटना बजोरा कटोला मार्ग से हुई, जो पदम राम से भारतीय फौज के कर्मचारी रमेश कुमार अपने घर रहला जा रहे सन। रागी ने कार खर्च देखा तो बाहर दो लाशा पईया देखिया, पुलिस ने इसकी इतलाह दी। उन्होंने दसिया कि मामला दर्ज कर लिया गया, लाशा पोस्टमार्टम तो बाद वारसां नूं सौंप दिता गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अतवादी फंडिंग मामले च सवेरे कश्मीर घाटी च कई थावां ते छापेमारी की। एक व्यक्ति को पूछगिछ लई हिरासत लिया गया। अधिकारियों ने दस्सिया कि एनआईए ने श्रीनगर के सौजेत इलाके से एक व्यक्ति को पूछगिछ लई हिरासत लिया। हिरासत लिए गए व्यक्ति की पछाण इशाक अहमद भट्ट वजो हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले चिखी परिवार दियां 4 नाबालिग कुड़ियां दी झोंपड़ी च अग लगन कारण झुलस के मौत हो गई। पुलिस मुताबिक यह घटना सदर पुलिस स्टेशन के अधीन राम दयालू इलाके च वापरी। जानकारी मुताबिक पीड़ित कुड़ियां सुत्तियां हुई सन, जदों अग ने उन्हां दी झोंपड़ी अपनी लपेट में लै लिया। जल्दी ही अग नाल लगदी 3 झोंपड़ियों में भी फैल गई। इस हादसे में 7 लोग झुलस गए ने। जिले के श्री कृष्ण मैडिकल कॉलेज के हस्पताल में उन्हां दा इलाज चल रहा, जिथे उन्हां दी हालत गंभीर दसी जा रही। अमरीका के ओकलाहोमा के एक पेंडू इलाके में अधिकारियों ने 2 लापता नाबालगों की भाल में घर की तलाशी दौरान 7 लोगों की लाशा मिली ने। स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बुलारे गेराल डेविडसन ने दसिया कि लाशा ओकलाहोमा सिटी तो लगभग 145 किलोमीटर पूर्व वाल हैनरीटा शहर के नेड़े मिली ने। इस नगर की आबादी 6,000 के करीब। उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टर को मृतकों की शिनाख्त करनी होगी, पर अधिकारी हुण लापता नाबालगों जो जिस व्यक्ति नाल सन उसकी भाल नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में एक रीसाइकलिंग प्लांट में हुए गैस धमाके 6 लोग जख्मी हुए ने। स्थानक मीडिया ने जानकारी दी है। खेतर के निवासी ने जोरदार धमाके की रिपोर्ट की थी, जो धमाके वाली थान 1 किलोमीटर जा इस तो बाद तक सुनाई दी लिजाया गया, जिथे उन्होंने एक जिसकी उम्र 40 साल से एक की हालत गंभीर स्थिर है। लुधियाना शहर के ग्यासपुरा इलाके कथित तौर पर जहरीली गैस लीक होने कारण हुई 11 लोगों की मौत के मामले की जांच पंजाब पुलिस की 5 मैंबरी विशेष जांच टीम करेगी। पंजाब के प्रमुख उद्योगिक केंद्र की संघ ने आबादी वाले इलाके दुखांत वापरिया। अधिकारियों ने दसिया कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दस्ते सीवर लाइन च जहरीली गैस के बढ़ने के संभावित कारणों पर गौर कर रहे हैं। एसआईटी की अगुवाई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर हरमीत सिंह हुंदल कर।
केंद्र सरकार आने वाले समय में वख-वख मंत्रालयों में खाली पीआं सामियां नूं भरन लई मिशन मोड च है। जानकारी दिंदे अधिकारियों ने दस्सिया कि नौकरियां देने लई 22 राज्यों च रोजगार मेले लगाए जाणगे। अधिकारियों ने दस्सिया कि आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया च तेजी आने की संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार 2019 में सत्ता में आई सी, जो कि अपने कार्यकाल के आखिरी साल में दस दिए कि पहला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 नूं लगाया गया। मोलेधार मीह कारण सिक्किम के नाथूला नेड़े फसे 40 सैलानियों वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कामियां ने बचा लिया। अधिकारियों ने कहा कि बीआरओ वालों बचाव मुहिम दरमियान भारी मीह कारण नाथूला के नेड़े फसे 40 सैलानियों बचा लिया गया। बीआरओ मुताबिक बचाए गए लोगों को गर्म भोजन परोसया गया, उन्होंने पनाह दी गई है। बीआरओ वालों सड़क खोले जाने मगरों लोगों को वापस गंगटोक भेज दिया गया। दिल्ली के शराब कपला मामले में इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दूजी चार्जशीट आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम आया। चार्जशीट दस्सिया गया कि जाली लैण देण की साजिश च गई राघव मनीष सिसोदिया के घर हुई बैठक च मौजूद सन। सिसोदिया के सकत्तर ने राघव का नाम लिया। दस दिए कि जिंदी शराब घपले मामले के सिसोदिया इन्नी दिन तिहाड़ जेल च बंद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम पहल च हिस्सा लैण वाले जम्मू कश्मीर च पहुंच लिया। मेंढर के एक नौजवान समाजिक वर्कर नजाकत चौधरी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नजाकत की पहल की शलाघा करते उसकी चिट्ठी का जवाब दिता है, जिस नाल उसनु आसाम की यात्रा करन ते इसकी विभिन्नता से सभ्याचार का अनुभव करने का मौका मिलिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नजाकत ने आसाम की अपनी यात्रा का आनंद माणिया, आस प्रगटाई कि वह भविख में अजिहां होर यात्रावां करना जारी रख। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।